हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम हेमिकॉर्डेटा के प्रमुख लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि हेमिकॉर्डेटा क्या है, इसके क्या लक्षण है, इसको कितने में डिवाइड किया गया है, इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। हेमिकॉर्डेटा का मतलब है हेमी मीन्स हाफ, कॉर्ड प्रेजेंट। ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिसमें कि बॉडी में हाफ रीजन में इनमें कॉर्ड पाई जाती थी। शुरू में इसको इसमें इन्वर्टिब्रेट्स में रखा गया था, किंतु कुछ करेक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से इस एनिमल को कॉर्डेटा से हटा के हेमिकॉर्डेटा में एक अलग ग्रुप में रखा गया। कॉर्डेट्स के जो लक्षण हैं, जिसमें कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, नोटोकॉर्ड हैं, ये सारे लक्षण जो है इसमें अलग से कॉर्डेट से समानता नहीं होने की वजह से ही इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। ये सारे एनिमल्स जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इन बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं और सिलोमेट्स हैं, जिसमें ट्रू सिलोम्स पाई जाती हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं, सेसाइल अवस्था में भी रहते हैं, जो कि समुद्र के अवपंखी भाग में बिल बनाकर रहते हैं। इनका शरीर जो है वो तीन भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, पोलर और ट्रंक। इनमें बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन का अभाव होता है। बॉडी पर किसी भी तरह के ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो फेरिंग्स होती है उसमें एक छड़ समान रचना पाई जाती है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। पहले इससे नोटोकॉर्ड का भाग माना जाता था, किंतु वो स्टोमोकॉर्ड है। ये एक फिल्टर फीडर है जो कि सड़े गले पदार्थों को खाता है। इसमें अनेक जोड़ी गिल खांचे पाई जाती है। गैसी एक्सचेंज के लिए बॉडी सरफेस व गिल स्लिट्स के द्वारा इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो ग्लोमेरुलस द्वारा होता है। इसके लार्वल स्टेज टॉर्नोरिया लार्वा है। एलिमेंट्री कैनाल जो है या तो स्ट्रेट होती है या यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें करीब 90 जातियां पाई जाती हैं और इसको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंटेरोप्न्यूस्टा और सेकंड है टेरोब्रैंकिया। एंटेरोप्न्यूस्टा में वो जंतु आते हैं जो बर्रोइंग होते हैं, या एक्रॉन वर्म जी जिनको बोलते हैं, जिसमें बेलेनोक्लसस आएगा। ये जंतु जो है यू शेप बिल की स्ट्रक्चर होती है उसमें रहते हैं। इनका अग्रभाग एक बिल के एक सिरे से बाहर निकला रहता है और दूसरा भाग दूसरे सिरे से बाहर निकला रहता है, इसलिए इसके एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यू शेप में होती है। इसका बिल जो है 1.5 से 3 मीटर लंबा होता है। कुछ जातियां जो है इसके सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। इसके जो ट्रंक रीजन है उसमें जो आंत या इंटेस्टाइन पाई जाती है उसमें अनेक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसे इसलिए एंटेरोप्न्यूस्टा नाम दिया गया है, जिसका कि अर्थ है आंत से सांस लेने वाले जंतु, जो कि आंत या इंटेस्टाइन जो होती है उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको एंटेरोप्न्यूस्टा कहते हैं। और इसमें बेलेनोग्लोसस और डोलिगोग्लोसस एनिमल्स आते हैं। सेकंड है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया जो है ये बिल में नहीं रहते, ये सेसाइल एनिमल्स हैं जो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं और ये अपने खुद के द्वारा सीक्रेट की हुई ट्यूब्स में ही रहते हैं। ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इनमें गिल स्लिट्स की संख्या या तो होती नहीं है या होती है तो सिर्फ 2 ही होती है। इसका एग्जाम्पल है सिफेलोडिस्कस और रेबिडोप्लूरा। थैंक यू।